अब क्या करेंगे बोलो तो इसलिए मैं ये भी बताया साहब, अगर आपको पार्टी में ज्वाइन करना है तो हम सब लोग ज्वाइन होने के लिए भी तैयार हैं करके ये भी बात हुई थी सब कल। आप एक काम करिए, आप कौशल साहब से बात करिए। हाँ सर, ये कौशल साहब हमारे जिम्मेदार है, उन्होंने देख रहे पूरा कर्नाटका का। हाँ सर, उनसे हमें ये सुनने में ऐसा भी, आप बीजापुर से तनवीर पीरा बोल के जो है ना, उन्होंने फोन करने के बाद में आपका टिकट यहाँ पे नहीं होगा, इंशाल्लाह माफ करो, नेक्स्ट टाइम हम सब लोग मेहनत करेंगे, आप हमसे आके मिलो तो हम अभी से तैयारी चालू करेंगे। बोले ठीक है, हम अभी से भी तैयार करने के चालू 5 साल के लिए, अब से भी तैयारी करने के चालू चालू करने के लिए तैयार है साहब, हमें फिलहाल अभी 5 साल वेट करो बोले तो वेट करने के लिए भी तैयार है। नहीं भाई, आप जिस हजरत का नाम ले रहे उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा पार्टी के मामला में। तो मेरे को यही बोलो कर्नाटक, ईमानदारी के बात यह है कि हमारी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई सर। तो मेरे को लतीश जो है ना पठान, जो कर्नाटक के हमारे है ना स्टेट आपके आपके पार्टी में, उन्होंने उनका नाम बताया मेरे को अभी। तो तनवीर पीरा जो है ना, उन्होंने फोन लगा के आपका टिकट कैंसिल कर दिया, हमको माफ करो, हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ में। तनवीर पीरा किसको फोन करे, आपका नाम बोले साहब, क्या इन्होंने ना लतीफ पठान बोल के आपसे बात करे उन्होंने, क्या लतीफ पठान क्या बात करे साहब से बात किए तनवीर पीरा, तो आपका टिकट बीजापुर से नहीं होगा, माफ कर दो बोले, अच्छी बात है साहब बोल के फोन कट करके आपसे कॉन्टेक्ट कर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. హలో హలో, అస్సలాము అలైకుం సార్. ఏ కోయి ఇండిపెండెంట్ కార్పొరేటర్ హే బీజాపూర్ సే బాత్ కర్ రహే ఔర్ ఉను యే బోల్ రహే కే కి ఆప్కు తన్వీర్ పీరా బాత్ కర్కే బోలే, యా ఆప్ బోలే ఇన్కు తన్వీర్ పీరా బాత్ కర్కే బోలే క్యాండిడేట్ మత్ దో బోల్కే. अल्लाह बख्श को बोले साहब, है ना? कौन बोले? तनवीर पीरा। क्या बोले? वहाँ 20 तारीख तक मैं कुछ भी मैं जो बोलता हूँ तो बी फॉर्म लेकर उनको मालूम पड़ा, हर हालत के अंदर वहाँ बी फॉर्म मैं जब तक बोलता हूँ बिल्कुल किसको भी नहीं देने का। कौन होते भाई, उन्होंने हमारे पार्टी के जिम्मेदार नहीं है ना, और आप कैसा कबूल करते उनको? नहीं मैंने कबूल कर, आप क्यों बोले, ये बच्चे क्यों बोले आप? कल रात ही जो डेवलपमेंट चल रहा था साहब 2 बजे तक, क्या डेवलपमेंट चल रहा भाई? पार्टी कौन चला रहे, आप चला रहे, अल्लाह बख्श चला रहे, कौन चला रहे, या तनवीर पीरा साहब चला रहे? नहीं उन्होंने एक सवाल पूछे साहब, बीफा माए से रोके कौन बोल के, इन्होंने सवाल पूछते थे मेरे को क्या बोले, ये रोके कौन? देखिए आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे, आप और अल्लाह बख्श, आप जो खुला बोल रहा था तनवीर पीरा साहब को क्या करने का हमारी पार्टी में, उन्होंने तो रहते भी नहीं बीजापुर में जब से तनाजा हुआ उनका वो। हाँ साहब, फिर क्यों ऐसा बोलते आप लोग, अपना मनमानी क्यों कर रहे भाई, क्यों कर रहे आप लोग, क्या है आप लोगों का एजेंडा समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं साहब उन्होंने ये बात बोलने में मुझे बोलना पड़ा, क्या बीफा उधर लेकर के दिए थे साहब, उन्होंने हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को रुका दिया बोल के मैं बोला उनको। अरे भाई उन्हें कहीं को रुका अल्लाह बख्श, क्या मुझे उन्होंने जो अल्लाह बख्श जो बोले से बात मैं बोल दिया साहब, क्यों अल्लाह बख्श को दिन भर उन्होंने घूमे थे साहब, उन्होंने पार्टी का जो ये बंदी है ने कल बीफार्म लेने के लिए इनके कोलार को जाकर दिन भर उनके पीछे घूम घूम कर रात को 8 बजे मुझे फोन किया साहब, उन्होंने मैं उनको जानता भी नहीं है, मैं रात को 8 बजे फोन करने के बाद में 8 से लेकर रात को 2 बजे तक भी मैं सलीम भाई को भी कॉन्फ्रेंस में लेकर उनको बात करवाया, बिलगी को भी बात करवाया, वो क्या इंडिपेंडेंट जो चुन के आए हैं वो नदाफ बोल के आए साहब, हैदर नदाफ, उनको भी बात कराया मैं। आप ही बात कर रहे ना वो बाबू? हाँ साहब मैं साहब हैदर नदाफ ही बात कर रहा हूँ। हाँ हैदर नदाफ, मैं रात को उनको बात कराया हूँ साहब, इनकी मेरी मुलाकात रात को कल 8 बजे हुई, पहली बार देखा मैं इनको, मैं यहाँ तक बोला कि वो चेहरे का मैं चेहरा तक नहीं देखा, मुझे कॉन्फ्रेंस कर लो उनका चेहरा देखता हूँ मैं करके बोला, पूछो उनको साहब मेरी उनकी बात जो रहे थे, अब भी मैं बोलते टाइम के बोला इन्होंने यहाँ तक पूछे। मगर देखिए इनका छोड़िए, मैं ये बोल रहा हूँ कि तनवीर पीरा क्यों मदाखलत कर रहे हैं हमारे पार्टी के मामलात में भाई, पूछो उनको, मैं यही बात बोला हूँ इनको, जो बोला भी हो ना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उन्होंने रुका है बीफॉर्म आने आया करके बोल के, हमने शाम तक घुमाए घुमाए साहब, अभी तक हमने बिल्कुल मिला नहीं है, सुबह से शाम तक घूम रहे, आज साढ़े अब भी तुमने हमारा नंबर लेकर बात करूँ करके बोले हैदर, उन्होंने पूछो साहब उनको, हैदर उनको रात को 2 बजे तक कॉन्टेक्ट में हुए हैदर उनके साथ में, क्या इधर मैं बात बोलूँ तो सही है? सही है साहब, लेकिन हमारे को इधर कोई भी बीजापुर में रिस्पांस ही नहीं दे रहा ठीक से, तो उनको उनका चैलेंज है अपोजिशन है। सुनो हैदर साहब, साहब सुन रहे हैं पूरी बात को सुनो, मैं क्या बोला वहाँ के हमारे पोस्टमैन सही काम नहीं किए, आप बोले साहब सही पोस्टमैन काम नहीं किए तो बदलने होना क्या, मतलब पोस्टमैन बदलूंगा नहीं है, पूरी ऑफिस बदलेंगे, कहते पोस्ट ऑफिस बदलेंगे, तुम जिम्मेदारी लो और काम करो साहब, इनको कंडीशन किया, अगर हमको बी फॉर्म तुमको देंगे हमें
तो तुम्हारे जितने भी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स है हमारी एमआई में शामिल होंगे क्या? साहब आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। सुनो साहब मेरी बात को सुनो, ये बात की बोला बोले तो तुम्हारे वहाँ के दो लोकल कॉर्पोरेटर जो है वो जाके कांग्रेस में जुड़ रहे हैं बोलने के बाद में, मैं क्या बोला तुम्हें इंडिपेंडेंट चुन को आए वाले हमारी पार्टी में जुड़ो, वो भी दो जो जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे, हमारी मजबूत होती है, आप सब जने मिलकर डिक्लेयर करो। कितने टाइम में डिक्लेयर करते बोलने के बाद में? अब दो दिन का टाइमिंग लिए। मैं बोला कल दो दिन बहुत टाइम होता है, कल का कल कर सकते क्या? बोले कल का कल करने के लिए मेरे को दो दिन का टाइमिंग होना, बात करने होना, हमारा इसमें टाइम चला गया है करके आप ही बोल दिए। मजबूत करना है हमारे को, पूरी बात को सुनो, मेरी पूरी बात को सुनो, साफ सुन रहे हैं बात को, पूरी मेरी बात को सुनो, मैं बोला तो अगर गलत बोलाऊंगा तो बीच में बोलो, साहब को क्लियर होने दो। अभी 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 रुक जाइए, अभी पठान साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ये कोई भी आपको बोले पार्टी से बाहर का आदमी कोई बोल रहा है समझ दो, आप नहीं सुनना मेरे को बोल देना आप। हाँ ठीक है साहब, बोल देता हूँ, बोल देता हूँ। हमारे पार्टी के मामलात में आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, अल्लाह बख्श बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, कोई आदमी आके क्यों हमारे को बोलेंगे भाई? हाँ मैं ये क्लियर करने के बोला साहब इनको भी, अल्लाह बख्श को क्लियर कर लिया पहला, तुम बीफॉर्म क्यों नहीं दिए बोलने के बाद में, इनके साथ में बात होने के बाद में बीफॉर्म साहब बीजापुर को देने के लिए जब बोले तो रुके की तुम, दोनों बीजापुर पहुंचते पहुंचते फोन आया इनको। साहब मैं दो मिनट बात कर रहा हूं, ये जो टिकट का जो मामला चल रहा है साहब बीजापुर में, 5 महीने पहले ही वो जो हमारे इन्होंने ना कुछ तो है ना सर, इसमें स्टेट प्रेसिडेंट हमारे उस्मान गनी साहब, तो उनके साथ में 5 महीने पहले बातचीत हुई कांग्रेस वालों की कि अगर टिकट बीजापुर से मेरे को हो गया कांग्रेस से तो एमआईएम का टिकट बीजापुर में मत डालो, ये भी बात रिश्वा मेरे को खुद मेरे कानों से सुना हूँ साहब। किसको हो गया? तो हमीद मुशरीफ को, हमीद मुशरीफ बोले जाके बोले अगर टिकट मेरे को कांग्रेस का हो गया तो बीजापुर से एमआईएम कैंडिडेट मत डालो, तनवी पीरा और हमीद मुशरीफ एक ही टीम है साहब, एक ही टीम है वो। किसको बोले? उस्मान गनी जो है ना साहब प्रेसिडेंट आपके इधर स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे बोले। हाँ पार्लियामेंट नहीं है, उस्मान गनी साहब को छोड़ दो आप। और एक बात बीच में बोलता हूँ साहब, मैं बीच में बोलता हूँ, कल तुमको क्या बोला साहब की निगरानी में इलेक्शन होने लगा है, इसके 3 लोगों की जिम्मेदारी है साहब, कौशल मोहिदीन एमएलए साहब, सुनो पूरी बात को नजर साहब। साहब मैं दो ही बात साहब भी शायद बिजी रहेंगे, दो ही बात मैं खत्म करता हूँ, हमारे बीजापुर में एमआईएम की बहुत बहुत जरूरत है, नाम लिए तो एक मिनट ठहरो पठान, आप बोलो क्या बोल रहे हैं आप। साहब बीजापुर में हमारे को एमआईएम की बहुत से बहुत जरूरत है मुसलमानों को, यहाँ पे जो राजकी चल रही है मुसलमानों के ऊपर जुल्म के हिसाब से ज्यादा जुल्म हो रहा है यहाँ की राजकी पे, मुसलमानों का कुछ भी चलने के लिए नहीं है इधर, कुछ भी ना, हम सब लोग जीरो हो गए इधर, इसलिए हम जो भी बोलेंगे फंक्शन करने के लिए तैयार है, हम ज्वाइन होने के लिए भी तैयार है, हर बात से मुसलमान इधर तैयार है एमआईएम के मामले में। जैसा ही साहब आप आके गए कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में बीजापुर में, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो लीडर्स हैं कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वो लोगों से मुसलमानों की तारीफ चल रही, जब आपके आके गए बीजापुर को तब तक कोई मुसलमान को नहीं गिन रहा था इधर बीजापुर में, जैसा ही आप आके गए ना। अभी इलेक्शन में क्या है, अभी तुम्हारा इरादा तो अगर आपको टिकट नहीं दिए तो भी आप पार्टी में शामिल होते या फिर आप इंडिपेंडेंट रहते? साहब हम टिकट देंगे तो भी ज्वाइन होने तैयार हैं, नहीं देंगे तो भी ज्वाइन होने तैयार हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि यहाँ पे पार्टी बहुत कमजोर है एमआईएम की, सब लोग उनके गुलाम हो बैठे हैं साहब, आपको मैं सही बात बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगा तो परवाह नहीं है, बीजापुर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब तनवीर पीरा की बात में चलते साहब इधर, आपके वो तनवीर पीरा का बैकग्राउंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप बीजापुर में खुद उनके बारे में इंक्वायरी कर लिए, वो सिर्फ नाम के मौलाना है मगर मुसलमान का नाम उन्होंने खुद बदनाम कर रहे हैं साहब बीजापुर के। वो छोड़ दो उनके, उनकी पर्सनल जाती जिंदगी में जाने का नहीं है मेरे दोस्त, उन्होंने जाने उनके अमल साहब, उनके वजह से पूरी कौम बर्बाद हो रही है साहब इधर बीजापुर में। ठीक है आप एक मैं बोलता हूँ आपको, आप कौशल साहब को बोलता हूँ आपसे बात करो, बोल के देखेंगे क्या होता है, देखेंगे साहब। मैं कौशल साहब के सामने यहीं पे बैठा हूँ सब, मैं साथ में कौशल साहब भी है मेरे साथ में।